प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं आपके साथ आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, फटाफट बिना समय गमाए हम लोग आज बात करेंगे श्री यंत्र को लेकर। वैसे तो श्री यंत्र कई प्रकार से होते हैं, मार्केट में उपलब्ध होते हैं, ताम्र पत्र में होते हैं, चांदी में होते हैं, या फिर कागज में भी होते हैं, भोजपत्र आदि में होते हैं, या फिर स्फटिक के होते हैं। तो कई प्रकार के श्री यंत्र होते हैं, लेकिन हमें कौन सा श्रीयंत्र रखना चाहिए, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। क्या इसके लाभ हैं, क्या बेनिफिट है, कैसे पूजा कर सकते हैं, कैसे आप रख सकते हैं, कैसे रखना चाहिए, कब रखना चाहिए, तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रभाव, क्यों हमें रखना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें श्रीयंत्र चाहिए। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, उस पर सारी जानकारी है। कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए जो अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड, वो हमारे वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। नीचे वेबसाइट का लिंक भी आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। दर्शकों, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं श्री यंत्र की क्या क्या हमें उसके फायदे हो सकते हैं। वो तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं कुछ खास बात आपको यहां पर बता रहा हूं। एक तो स्फटिक, मैं स्पेशल उस पर बात कर रहा हूं। स्फटिक एक तो पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत माना जाता है, यानी नकारात्मक और सकारात्मक दो ही तो ऊर्जा है। जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है तो हमें सहयोग मिलता है हमारे कार्य में तेजी करने के लिए, हमारे कार्य में हमें ग्रो करने के लिए सहयोग मिलता है। लेकिन वहीं जब नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं हमारे आसपास होती है, तो वही और हमें नुकसानदेह होता है, चाहे वो बात हेल्थ की करें या फाइनेंस की करें। तो दर्शकों, यदि आपका भी कोई कार्यस्थल है, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका ऑफिस है या आपकी फैक्ट्री है, या आप कोई दुकान चलाते हैं, देखो कई बार होता क्या है, लोग हमारे दिन भर हमारे कार्यस्थल पर आते हैं, अनेक अनेक प्रकार के लोग होते हैं, अनेक अनेक प्रकार की सोच होती है, मुंडे मुंडे मतरे भिन्ना, अलग अलग मति के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग आपके कार्य क्षेत्र को देखकर उनको अच्छा लगता है, वो आपको सराहना भी करते हैं, आप उससे लाभ भी लेते हैं, वो भी आपसे लाभ लेते हैं। लेकिन कई लोगों की दृष्टि नकारात्मक होती है और जिससे हमारे कार्य पर उसका असर पड़ता है। नेगेटिव एनर्जी हमारे यहाँ उसका प्रभाव तेजी से होने लगता है, और जहां हम अच्छे से काम कर रहे थे, हमारा काम चल रहा था, वहीं हमें नकारात्मक ऊर्जाओं के चलते काम में विघ्न और बाधाएं पड़ने लगती, स्वास्थ्य में दिक्कतें आने लगती हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहां पर दर्शकों। लेकिन यदि आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए, महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, हेल्थ इश्यूज यहां पर आते हैं उनके लिए आप यदि स्फटिक का श्रीयंत्र अपने यहां स्थापित करते हैं, तो ये तमाम संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे, यहाँ पर मैं जैसे चर्चा कर रहा था कि श्रीयंत्र स्फटिक में भी यहाँ पर कई प्रकार से श्रीयंत्र आते हैं। एक इस प्रकार से आते हैं जो कमल का बेस होता है, ऊपर से श्रीयंत्र होता है। एक कच्छप का बेस होता है और ऊपर से इसमें श्रीयंत्र बने होते हैं, दो प्रकार से। लेकिन एक होता है इस प्रकार, नीचे से प्लेन इसका बेस होता है, चपटा होता है, ऊपर श्रीयंत्र होता है। तो ये कुल मिलाकर के अलग अलग हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा आपको ये वाला श्रीयंत्र आप अपने स्थान पर रखें, चाहे मंदिर हो या फिर घर हो या ऑफिस हो। देखिए यहां पर कितना रखें, कैसे रखें, ये तो वैसे तो वेट के हिसाब से इसका प्राइस वगैरह होता है, लेकिन आप अगर जितना बड़ा पीस रखते हो उतना अच्छा रहता है। लेकिन घर पर आप रखते हैं तो सामान्य पीस आपको रखना चाहिए। इसमें एक खास बात है, क्योंकि इसमें खंडित होने का डर नहीं रहता, जबकि इन दोनों में खंडित होने का भय ज्यादा रहता है, और खंडित वाले को घर में नहीं रखना चाहिए। अगर टूट जाए तो उसका फिर विसर्जन करना चाहिए, वो फिर पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत नहीं बल्कि नकारात्मकता का स्रोत हो जाता है। तो दर्शकों, यहां पर आपको ये वाला श्रीयंत्र रखना चाहिए, दूसरा आपको जो है प्रतिष्ठा के साथ रखना चाहिए, और तीसरा आपको नियमित पूजा उनकी करनी चाहिए। हाँ, आप घर से बाहर चले गए तो बात अलग है, फिर आप कोई दिक्कत नहीं, आप उनको छोड़ सकते हैं या अपने साथ में भी आप ले जा सकते हैं। तो दर्शकों, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम स्थापना कैसे करें। तो आप नियमित रूप से श्री सूक्त के माध्यम से उनकी स्थापना कर सकते हैं, वैदिक षोडशोपचार के द्वारा पूजन कर सकते हैं, पंचांग पूजन के बाद महालक्ष्मी का पूजन करें, स्थापना करें, और उसके बाद आप विराजित कर सकते हैं। दर्शकों, यदि खास बात, यदि आप श्रीयंत्र की स्थापना करके अपने घर अपने नाम गोत्र के अनुसार मंगाना चाहते हैं, तो आप हमें अपना लिख करके अपना पता भेजें, अपना गोत्र भेजें, व्हाट्सएप पर आप जानकारी ले सकते हैं, और उसके बाद घर बैठे ही आप इस सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आप फिलहाल बने रहें, कोई प्रश्न आपका होता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए या आप जो है इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.अध्यात्म और ज्योतिष.in पर जा सकते हैं। आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत।